हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड दिस वी विल टॉक अबाउट फ्लैट हंटिंग। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बहुत सिंपल स्टोरी होगी, फ्लैट ढूंढने जाएंगे, फ्लैट मिल जाएगा और बात खत्म, हैप्पी एंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, तभी वीडियो बन रही, नहीं तो बनाता ही नहीं मैं, राइट? तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिफ्ट करता है किसी दूसरे स्टेट में रहने के लिए, उसको पता है अगले 2-3 साल जिंदगी के यहीं पर कटने वाले हैं। मान लो कि वो कॉलेज ग्रेजुएट है, फ्रेशर है, ठीक है, उसके मन में कुछ कुछ सपने होते हैं कि यार बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊंगा, रात को नाइट आउट करूंगा, स्कूटी लेके गाड़ी लेके घूमूंगा, ट्रिप्स पे जाऊंगा, ऐश करूंगा, मजे आने वाले हैं बहुत सारे। ये उसके दिमाग में चल रहा होता है जब वो फ्रेशर होता है, 2-3 साल बाद तो वो मैच्योर हो जाता है, बट ठीक है, स्टार्टिंग उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। आपके दिमाग में यही चलेगा जब आप शिफ्ट करोगे। आपको शिफ्ट करोगे तो रहना पड़ेगा यार, रहना पड़ेगा तो या तो पीजी सर्च करोगे या तो कोई फ्लैट सर्च करोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो फ्लैट जब सर्च करने जाओगे, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, अनफर्निश लेना है या सेमी फर्निश लेना है या फुली फर्निश लेना है, ब्रोकर हायर करूं या फिर किसी वेबसाइट का यूज कर लूं, फेसबुक ग्रुप का यूज कर लूं जहां पे मुझे पैसे ना देने पड़े, ब्रोकरेज ना देनी पड़े। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लोकैलिटी कैसी है वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर आप एक फ्लैट लेते हो जहां पे अच्छे खासे पैसे जाते हैं, आपकी जेब से आपको 10-20 हज़ार पर मंथ निकल रहा होता है। उस कहानी के ऊपर ये वीडियो है। तो जब मैंने हैदराबाद शिफ्ट किया, मुझे लगा कि अब 2-3 साल यहां पर कटेंगे और एक अच्छी जगह मुझे लेनी है जहां पर रह सकूं, जहां नॉइज कम हो, जहां पर पूरा ये स्टूडियो सेटअप कर दूं और वहीं से वीडियो बनाया करूंगा। ऐसे सपने थे मेरे, थे क्या बोल रहा हूं समझेंगे अभी, पर मैं ये भूल गया कि मैं एक बैचलर हूं और एक बैचलर को फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पूरा वहां पे फैला दिया कि देखो यार, मैं हूं लव बब्बर और मैं हैदराबाद पहले आ चुका हूं, मैं अमेजोन में काम करता था और मैंने हैदराबाद देख रखा पूरा का पूरा, मुझे पता है कौन कौन सी सोसाइटीज में फ्लैट ले सकते हैं, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या देखना होता है। सब विश्वास कर चुके मेरे ऊपर, मैंने सब कह रहे चलो ढूंढने चलते हैं, मैंने कहा एक दिन जाएंगे, सारा देख लेंगे और फाइनल कर देंगे, ब्रोकर हायर करने की कोई नीड नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा मैंने बोला। पर क्या सच है देख लेते हैं। तो हम पहली सोसाइटी देखने जाते हैं, वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता ओनली फॉर फैमिलीज, कोई बात नहीं, पहली सोसाइटी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। अब हम जाएंगे अपनी सेकंड सोसाइटी में, इसका नाम है प्रेस्टीज। यहाँ पर जब हम गए, ये पूरा का पूरा फ्लैट है, तो यहाँ पे ये 3.5 BHK, ये मेरा पोटेंशियल रूम हो सकता है शायद, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। ये सर का रूम है, अभी तो ये सेमी फर्निश्ड बोला हुआ है जबकि कुछ है नहीं इसके अंदर। सही है, ये भाई का रूम है। फ्लैट अच्छा था, दो चीजें थी, पहला कि रूम मुझे छोटे लगे और मुझे लगा यार यहाँ पे मेरा स्टूडियो सेटअप नहीं हो पाएगा, मुझे चाहिए एक ऐसी जगह जहाँ पे नेचुरल लाइट भी आती हो, जहाँ पे नॉइज भी कम आती हो, जहाँ पे एको भी कम आती हो और मेरा पूरा सेटअप भी लग जाए, मुझे लगा यहाँ पर नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और सेकंड चीज उन्होंने बोला कि इसका प्राइस 55,000 रुपीज पर मंथ। मैंने कहा कैसे भाई, इसमें सिर्फ AC और कबर्ड लगे पड़े, 55,000 किस बात की? लास्ट टाइम जब मैं हैदराबाद आया था, मैंने फ्लैट लिया था, फुली फर्निश्ड था वो, 38,000 पर मंथ रेंट था उसका, ये 55 किस बात के? तो मैंने कहा ना ये नहीं हो पाएगा, पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं और तुम मान लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में आना चाहते हो तो रीलेवल का प्रयोग कर सकते हो। रीलेवल इज लॉन्च्ड अ 5-डे इवेंट कॉल्ड रीलेवल सिलेक्ट, जहां पर बहुत सारी कंपनीज लाइक मोंगेज, विंगीफाई, हिप्टो आपके पास अच्छे अच्छे पैकेज लेकर आएंगी। आपको करना एक सिंपल सा टेस्ट देना है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और उसके द्वारा आप इन सब कंपनीज में सिलेक्ट हो सकते हैं। जो भी टॉप स्कोरर्स होंगे उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। एक छोटा एग्जांपल अगर मुझे आपको देना हो तो मेरे पास एग्जांपल है प्रथम का। प्रथम ने एक जॉब क्रैक करी जो कि 5 to 7, 7 to 8 वाले ब्रैकेट वाली जॉब थी, 7 to 8 lakh पर एनम टाइप्स। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास स्किल तो है, मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने रीलेवल का टेस्ट दिया और वहाँ पर विंगीफाई के अंदर एक अच्छे पैकेज पर जॉब ग्रैब कर ली, और आज उनकी सिटी में उनके होल्डिंग्स भी लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं सेम टाइप के अच्छे अच्छे पैकेजेस, 10 to 15 के पैकेज ग्रैब करना, तो आप री लेवल टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल है, लाइक बैक एंड, फुल स्टैक, फ्रंट एंड, कोई भी। और अगर लास्ट मंथ के स्टैट्स की बात करूँ तो री लेवल ने अराउंड 36 lakh वर जॉब पर डे प्रोवाइड की है। 1st to 5th June के बीच में इवेंट होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना टेस्ट स्लॉट बुक कर सकते हैं, लिंक जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपको वहां जाके अप्लाई करना है टेस्ट के स्लॉट के लिए, टेस्ट देना है, क्रैक करना है, प्लेसमेंट लेनी है और उसके बाद मुझे पार्टी दे देना। सर कहाँ पे जा रहे हैं हम? राजपुष्पा। और इन्होंने हमें गेट से वापस भेज दिया। आपने इन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा, क्या तुम बैचलर हो? हमने बोला जी हाँ। उन्होंने बोला नहीं फिर तो नहीं मिल पाएगा। हमने बोला नहीं, हम तीनों भाई हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं। नहीं नहीं भगो नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, दिल्ली होती तो बताते तुम्हें। उसके बाद 4th flat पे गए, उनसे बोला कि फ्लैट, अरे बैचलर क्या निकलो। ओके चले गए वहाँ से भी। वन मोर सोसाइटी पढ़ना, यहाँ पे गए हमारे दोस्त एक और बार डिसअपॉइंटमेंट का मुंह देखने के लिए, वो बैठे हुए। यहाँ मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी, कैसे ऐसे, जब भाई ने ऐसे किया ना, मैंने कहा बन गई बात। पर जब हम गए
तो नतीजा तो सर कैसा लगा? एक और डिसअपॉइंटमेंट स्वाद आ गया, मतलब मुझे उम्मीद जागी, जाने बुलाया ना कि हाँ जा, मगर हो गया भाई, हो गया हो गया। चलो अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट हंट, दैट इज माय कॉम्पिटिशन, लेट्स सी होप दैट इज इट विल बी गुड फॉर अस। धन्यवाद। यहां से भैया लेफ्ट, यहां से भैया लेफ्ट। अब यहां मैं 5 फ्लैट देख चुका हूं, 5 बार डिसअपॉइंटमेंट का चेहरा मेरे सामने आ चुका है। सब लोग मेरे को देख रहे हैं कि आदमी कैसा है ये, इसने झूठ फैला रखा है, इसको सब पता था, पता। मैंने बोला देखो मैं इतना ही कर सकता था, अब तुम ब्रोकर हायर कर लो। तो उन्होंने ब्रोकर हायर कर लिया और ब्रोकर हमें हमारे अगले फ्लैट की ओर ले गया, जो कि सोसाइटी का नाम था वजरा जैस्मिन काउंटी। ये वही सोसाइटी है जहाँ पर लास्ट 2 साल पहले 2.5 साल पहले अमेजोन के टाइम पर मैं रहता था, वजरा जैस्मिन काउंटी। यहाँ पर मेरा फ्लैट था, 38,000 के रेंट पे था। हम यहाँ पे गए, ब्रोकर ने फ्लैट दिखाया, बहुत ग्रैंड था, मुझे रूम साइज भी सही लगा, मुझे वीडियो वाइज भी सब कुछ सही लगा। और वो वहाँ तो पहले रहता था, मुझे लोकेलिटी का पता ही था किस प्रकार की है। तो मैंने कहा डन करते हैं, 45,000 पर मंथ का था वो, मैंने कहा डन करते हैं। और एक चीज़ फंस गई यहाँ पे, उन्होंने बोला कि यार हम फैमिली रहती थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि यार हम यहाँ से जाएंगे US पर 1 महीने बाद, तो हम 1 महीने बाद इसको खाली करेंगे। मैंने कहा जी मैं जिस होटल में रहता हूँ वहाँ पे मेरी सैलरी जो है मेरे 5 दिन में ख़त्म हो रही है, वहाँ का जो प्राइस है, जो कॉस्ट है रूम की, वो 5 दिन में मेरी सैलरी खा जाती है, 30 दिन में तो मैं गरीब हो जाऊँगा वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं, 1 महीने तो रुकना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा फिर तो नहीं हो पाएगा जी, बाय बाय। तो वो भी कैंसिल हो गया। और ये डांस कर रहे हैं और हम नॉस्टैल्जिया खेल रहे हैं, पूरी सोसाइटी को फिर से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे थिएटर था, यहाँ पर जिम है, यहाँ पर ऑडिटोरियम है, वगैरह वगैरह पूरा देख रहे हैं। खाली है, खाली बैठे हैं फ्लैट में, ले रहा बकवास कर रहे हैं खड़े खड़े, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें चल रही थी और मुझे दिख गया कि फ्लैट वगैरह तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि ब्रोकर हायर करना ही करना है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि यार एक वेबसाइट होती है नो ब्रोकर करके, वहाँ पर आप बिना ब्रोकर के डायरेक्टली ओनर से डील कर सकते हैं। एक ओनर अपने फ्लैट को लिस्ट करेगा कि मेरा फ्लैट इस प्राइस पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट है तो आ जाओ प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो, वहाँ से आप फ्लैट देख सकते हो। या फिर आपके फेसबुक ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे फ्लैट एंड फ्लैट मेट्स करके, वहाँ पर लोग पोस्ट डालते हैं कि यार हमारे फ्लैट में 1 ऑक्यूपेंसी खाली है, 2 ऑक्यूपेंसी खाली है, ठीक है। उस प्रकार से आप वो यूटिलाइज करके वहाँ से फ्लैट ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप चाहें तो PG लेना चाहते हैं तो PG भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको PG पसंद है तो वहाँ पे भी सेम ही पैसे लग रहे होते हैं, ज़्यादा 2-3 हज़ार का फर्क होता है। इस्तारा के PG बहुत अच्छे होते हैं हैदराबाद के अंदर, आपको अगर लेना हो तो, ठीक है। सोसाइटीज़ की बात करें तो अपर्णा की सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं हैदराबाद में, तो अपर्णा की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। और बैंगलोर भी अब अपर्णा स्टार्ट हो गई है, ठीक है, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ विलास, अगर आपको विलास लेने हैं तो विलास भी ले सकते हो आप, ठीक है। 2 लाख पर मंथ या 2.5 लाख पर मंथ में मिल जाते हैं, वहाँ 4 से 5 लोग ले सकते हैं। मैंने बोला था अपने वालों को विला ले लेते हैं, पर वो कहते हैं कि हम सब यूट्यूब नहीं करते। मैंने बोला हाँ सही बात है, ठीक है। तो अब हम गए 9th फ्लैट की तरफ, दिन का आखिर, सॉरी 8th फ्लैट की तरफ, दिन का आखिरी फ्लैट है ये, गोकुल धाम सोसाइटी जैसा कुछ कुछ था, ठीक है। हम यहाँ पे गए, बहुत बड़ा फ्लैट, बहुत ज्यादा कर रहे हो तो यहाँ पर बस मुझे एक कमी लगी कि यार बहुत ही ज्यादा बड़ा होने के कारण इसमें एको बहुत आएगी, और मेरा इतना सामान भी नहीं है ना, मैं इतना एक्सपैंड करने वाला कि मैं इस पूरे रूम को फिल कर लूँ, या फिर अगर मैं एकॉस्टिक फॉर्म ट्रीटमेंट भी कराऊँ तो फिर भी मेरा बहुत सारा लगने वाला है, राइट। बाहर से नॉइज बहुत आ रही थी, बिल्कुल रोड के साइड में था गोकुल धाम, ठीक है। तो मैंने कहा यार नॉइज बहुत ज्यादा, और लोकेलिटी बड़ी ऐसी सी लग रही थी कि यार कि रात को 2 बजे मैं सेफ फील नहीं करूंगा बाहर निकलने में, कोई चाकू मार के चला जाएगा मुझे। मैंने कहा ना ये भी नहीं हो पाएगा, सॉरी। पर जगह बहुत थी भाई, बहुत जगह थी, मतलब क्रिकेट खेल सकते हो वहां पे आप, ठीक है। हम खेल भी रहे थे, पूरा दिन खराब हो गया। पिछली बार जो है 18 दिन खराब हुए थे, आज एक ही हुआ है, पर फिर भी लग रहा है कि एक्सपीरियंस रात में तब भी होगी भी। चलो अब स्विमिंग पूल में जाएंगे, हम थक गए, थकान मिटाएंगे वहाँ पे जाके, अभी मिलते हैं आपसे। हम दोनों को हमने भेज दिया, अब हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ से पढ़ो वहाँ से। तो ये थी कहानी थोड़ी सी, यहाँ पे हमने 1 दिन के अंदर 8 फ्लैट सर्च कर लिए, और हमें समझ में आ गया कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 1 दिन के अंदर फुलफिल नहीं होने वाला। घर से पिताजी का फोन आता है रात को, मिला फ्लैट नहीं मिला, ऐसा करो दिल्ली आ जाओ। तो फिर